Sir, you all expend the entire speech of Rahul Gandhi on which route, sir? Sir, how can you expend the speech? You are not even touched, sir. Sir, Thakur has given entire speech. There is no touch on his speech. Only Rahul Gandhi's speech was expended. Why, sir? Why, sir? Why, sir, expended? Why, sir? मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के भाषण बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूँ कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है? कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रही कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज़ उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है।